हर मोड़ के बाद नज़ारे ही बदलते जा रहे हैं इन पहाड़ों के। रात को चलना है इस वाले रूट से तो बिल्कुल मत आना। बहुत मेहनत करनी पड़ी इस पूरे काम के लिए। इस ट्रिप पे बस छोटा ही सा बैग ले जा रहा हूँ। तो यहाँ ये सब तबाही हुई है मानसून के टाइम पे। सर्दियों में ये जगह पूरी बर्फ से ढकी रहती है। मेन प्रवेश द्वार रुद्रनाथ महादेव के मंदिर तक का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और आज वीडियो काफी लेट से शुरू कर रहा हूं क्योंकि सुबह से जरा तबीयत गड़बड़ सी लग रही थी और थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग का काम भी था तो उसी में बिजी था भाई। बाकी आसपास देखिए खेतों में खूब सारे घोड़े कच्चर और मवेशी वगैरह चलने के लिए आए हुए हैं मस्त मजे से। बाकी पिछले 2-3 दिनों से ना वीडियो के कलर अजीब से आ रहे थे, पता नहीं कैसे पर फोन की सेटिंग चेंज हो गई थी, HDR प्लस वाली वीडियोस बन रही थी। बाकी आज भी घर पे लगातार काम जारी है। यहाँ सीढ़ियों के पास में फिनिशिंग वगैरह का काम करने पे लगे हैं मिस्त्री। कल तक सिर्फ 2 मिस्त्री लगे थे काम पे, आज एक और मिस्त्री आ गए तो काम काफी जल्दी हो जाएगा अभी। बाकी ऊपर छत में भी लगातार काम जारी है। चारों ओर डीप पे प्लास्टर तो हो चुका है, बस यहाँ बैक साइड में रह गया है थोड़ा सा एरिया, पर बारिश ने काम खराब कर दिया। यहाँ पूरा ढका के रखा हुआ है, जहाँ जहाँ नया नया प्लास्टर हुआ होगा। छोटे छोटे बच्चों के खेल देखिए भाई, मस्त मेज पे झूले पे उल्टे होके लटके हुए हैं भाई। अपने गांव से इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद भी ले लेते हैं। माहौल ऐसा खूबसूरत हो तो चाय का स्वाद तो और भी बढ़ जाता है। बाकी सनसेट के टाइम पे देखिए बादलों का कलर कितना प्यारा सा हो रखा है और 3 दिन की मेहनत के बाद फाइनली चारों ओर की बाउंड्री पे प्लास्टर हो चुका है। बहुत मेहनत करनी पड़ी इस पूरे काम के लिए, लेकिन ये वाला काम सबसे जरूरी था यहाँ पे अभी। यह अगला दिन और अभी सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो सामने चौखम्बा पर्वत पे देखिए ग्लेशियर टूट रहा है बड़ा खतरनाक सा। इस जगह पे तो लगातार टूटते रहते हैं ग्लेशियर। बाकी आज घर पे सारा ये मटेरियल जो भी है ऊपर छत तक ले जा रहे हैं मिस्त्री लोग और शायद कल ऊपर छत पे फिनिशिंग हो जाएगी। घर पे काम तो बहुत सारे हैं और ऐसे माहौल में ही मैं निकल रहा हूँ रुद्रनाथ भगवान जी के दर्शनों के लिए, क्योंकि परसों वहाँ पे कपाट क्लोज हो जाएंगे मंदिर के। बाकी मिस्त्री लोगों को आज ये सारा मटेरियल यहाँ से ऊपर छत तक ले जाना है इस रास्ते यहाँ से। वैसे ना घर पे लगातार काम जारी है, ऐसे में कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ जाना बड़ा ज़रूरी है। अभी दर्शन हो गए तो हो गए, नहीं तो सीधे 6 महीने के बाद कपाट खुलेंगे वहाँ के। बाकी मिस्त्रियों ने आधा मटेरियल तो यहाँ छत तक डाल दिया है और शायद जब हम कल ट्रैक पे होंगे तो यहाँ पे फिनिशिंग का काम हो रहा होगा। अभी सोच रहे हैं कि ऊपर मोमटी के छत में एक बार फिनिशिंग कर देते हैं आज ही, जिससे कि कल के लिए इनको भी हल्का हो जाएगा काम का। तो चले जी, अपना सामान भी बिल्कुल पैक हो चुका है इस छोटे से बैग में और इस बार की ट्रिप पे बस छोटा ही सा बैग ले जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत अपनी जरूरत का सामान और गर्म कपड़े वगैरह। दिन के 2:31 बस निकल पड़ते हैं आज के इस सफर पे। हर हर महादेव। तो करते हैं आज के इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत अपने मनसुना मार्केट से और यहां से मुझे 72 किलोमीटर का सफर तय करना है चमोली जिले के सगर गांव तक पहुंचने के लिए। बाकी माँ को भी यहीं से बाय बाय बोल देते हैं। यहां भारत सेवा आश्रम मोड़ से मुझे लेफ्ट को जाना है चोपता तुंगनाथ वाली रोड पे। हर हर महादेव। बाबा जी, बाबा जी कितने दूर तक तो रहे? बद्रीनाथ। अच्छा, तक आपकी छोटा। चलिए फिर। अच्छा आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी केदारनाथ। अच्छा केदारनाथ से आ रहे हैं। चलो जी, अब आगे का सफर बाबा जी के साथ तय करेंगे सगर गांव तक। तो यहाँ ये सब तबाही हुई है मानसून के टाइम पे, पूरी रोड की हालत खराब हो रखी है। चलो जी, अभी पहुँचे हैं मस्तूरा में। बाकी यहाँ से सुजान भाई भी अपने साथ चल रहे हैं। नमस्कार। ठीक ठाक। बाकी अब बाबा जी यहाँ से सुजान भाई की बाइक से जाएंगे और मैं अपनी बाइक से अकेले ही, क्योंकि आगे बहुत चढ़ाई है भाई। अभी तो ठीक सामने उन जंगलों से होते हुए जाना है। इस बार की ट्रिप पे अपने बाकी के 3 दोस्त नहीं आए,
दो तो देहरादून गए हैं और एक का घर में अपना कुछ पर्सनल काम है। बाकी अब यहाँ से ये लेफ्ट का रास्ता जाता है सीधे सारी गाँव के लिए और वहीं से देवरेताल का ट्रैक भी है। बाकी साल मानसून में यहाँ बहुत ही भयंकर तबाही हुई है। ये गांव देखिए पूरा नीचे को खिसकते जा रहा है। अभी जंगल का एरिया शुरू हो चुका है, लगातार कुछ किलोमीटर तक जंगल के बीच में सफर करना है हमें। चोपता की ओर आगे बढ़ते ही ठंड बढ़ने लगी है तो यहीं के लिए हमने ये जैकेट वगैरह पहनी थी। सर्दियों में ये जगह पूरी बर्फ से ढकी रहती है। बुग्यालों में आते ही भेड़ बकरियां दिखाई देने लगी है जो कि अभी चर के आ रही होंगी अपने डेरे तक। ठंड बढ़ने के साथ साथ ये घास भी सूख जाएगी और भेड़ बकरियां भी नीचे गाँव की तरफ चले जाते हैं यहाँ से। चोपता में तो यहाँ गाड़ियों की खूब भीड़ दिखाई दे रही है, मतलब कि खूब सारे श्रद्धालु गए हैं तुंगनाथ भगवान जी के दर्शनों के लिए। बाकी यह है मेन चोपता मार्केट और यहीं से ट्रैक शुरू होता है तुंगनाथ भगवान जी के मंदिर तक का, पर हमें तो सीधे आगे को निकलना है यहाँ से। बाकी अब इस वाले धार से देखिए दूर दूर तक की घाटियाँ दिखाई दे रही हैं, पर यहाँ भी ना बहुत लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की। सोचे कितनी भीड़ होगी तुंगनाथ भगवान जी के मंदिर में। बाकी अब यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग की सीमा समाप्त होती है और जनपद चमोली का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। ऐसा भी होता है भाई, टेम्पो वाला जरा थोड़ा सा तेज भी चला रहा है और अजीब सा भी। हर मोड़ के बाद नज़ारे ही बदलते जा रहे हैं इन पहाड़ों के। चलो जी अब इस जगह पे रुक के जरा चाय पानी वगैरह पी लेते हैं। इस जगह का नाम है धोदीधार। बाकी यहाँ पे एक दुकान है तो चाय पी लेते हैं यहाँ पे। अभी तो सफर काफी लंबा है लेकिन अब बस पहाड़ पे नीचे को उतरते रहना है। चोपता में पहुँचते ही बहुत भयंकर ठंड बढ़ गई थी और जैसे जैसे अब नीचे को उतर रहे हैं तो ठंड भी कम होती जाएगी। इस वाले रूट पे यही सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर कहीं पे टायर पंचर वगैरह हो गया तो फिर बहुत दिक्कतें रहती हैं भाई, वो भी खासकर रात के टाइम पे इन ऐसे घने जंगलों के बीच में। अगर आप अकेले हैं और रात को चलना है इस वाले रूट से तो बिल्कुल मत आना क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का बहुत डर रहता है। बाकी अब थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ से हिमालय की चोटियाँ दिखाई देने लगी हैं बर्फ से ढकी हुई और ठीक नीचे यहाँ ये मंडल है, सामने गोपेश्वर भी दिखाई देने लगा है। पहाड़ पे नीचे को उतरते हुए अभी पहुंचे हैं मंडल में। जय हो माता अनुसुईया। और यहां से प्रवेश द्वार है सती शिरोमणि माता अनुसुईया देवी जी के मंदिर तक का। और इस रास्ते से भी कई लोग जाते हैं रुद्रनाथ महादेव के मंदिर तक, लेकिन हम जाएंगे सगर गांव से। बाकी अब यहां से ठीक सामने पे सगर गांव दिखाई देने लगा है और कल हमें ऊपर वो पहाड़ चढ़ना है जहाँ वो बादल लगे हुए हैं। भगवान गोपीनाथ की तपस्थली में आपका हार्दिक स्वागत है। बाकी यहाँ से है मेन प्रवेश द्वार रुद्रनाथ महादेव के मंदिर तक का। हर हर महादेव। शाम के 5:56, बस थोड़ी देर में अंधेरा होने ही वाला है। पहुंच चुके हैं सगर गांव में। तो पिछले साल में इस वाले रूम में रुका हुआ था जब मैं रुद्रनाथ ट्रैक के लिए गया था। यहाँ सगर गांव में रुकने की व्यवस्था तो हो चुकी है पर रूम का कलर ना सिर्फ लाल लाल सा है भाई, अजीब सा लग रहा है। खैर कोई नहीं, बस रात काटनी है और कल सुबह सुबह यहाँ से हम शुरू करेंगे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ महादेव जी के मंदिर तक का। रुके हम यहाँ पे इस वाले गेस्ट हाउस में हैं और ट्रैक शुरू होगा यहाँ पे इस जगह से। और यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान वगैरह रख रहे हैं अभी रास्ते के लिए। बाकी आप इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव।